हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने ओल्ड वर्जन के प्ले स्टोर को न्यू वर्जन के प्ले स्टोर में कैसे अपडेट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस मेथड को आप किसी भी फोन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लाइव वाटर को ऑपरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने ओल्ड वर्जन के प्ले स्टोर में आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पर कोने में हमें 3 लाइन दिख रही होंगी, इस 3 लाइन पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्क्रोल करना है और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का। सेटिंग के ऑप्शन पर आपको आ जाना है। आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ये प्ले स्टोर की सेटिंग खुल गई हैं। अब आप सबसे नीचे आइए और देखिए यहाँ पर लिखा है प्ले स्टोर वर्जन। प्ले स्टोर वर्जन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप सा खुल गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है गूगल प्ले स्टोर इज अप टू डेट, मतलब मेरा जो प्ले स्टोर है वो पहले से ही अपडेटेड है। अगर आपका प्ले स्टोर अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा ओके की जगह, तो आप अपडेट के बटन पर क्लिक करके अपना प्ले स्टोर को अपडेट कर सकते हैं। जब आप अपडेट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं तो आपको अपना आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है आपको तब तक ऑन रखना पड़ेगा जब तक आपका प्ले स्टोर न्यू वर्जन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इसी तरीके से आप भी अपने ओल्ड वर्जन के प्ले स्टोर को न्यू वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।